किसान वीरों ते भैनों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा चैनल उत्तम खेती विच। जिवें कि आप सब जानते हो कि असी खेतीबाड़ी दे विषयां नूं लैके वख वख माहरां नाल तुहानूं रूबरू कराउंदे रहिंदे आ, ते तुहाडे जिहड़े मनां च सवाल ने उस विषय नूं लैके उस उन्हां दे जवाब असी माहरां को लैके इस माध्यम राही तुहाडे तक पहुँचदा करदे रहिंदे आ। सो इसे ही लड़ी नूं अज फिर कंटिन्यू करन लई साडे विच मौजूद ने डॉक्टर अमरीक सिंह जी, जिला सिखलाई अफसर गुरदासपुर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। सो किसान वीरो, जिहड़ा साडा अज दा विशा है वह है जैविक खेती बासमती दी किवें कीती जावे। सो अज दे इस समय विच इह बड़ी लोड़ है भी असीं जैविक खेती वल अपना थोड़ा रुख इख्तियार करिए, क्योंकि इह समें दी लोड़ है। सो इसे विषय ते अज असीं वख वख पहलुआं ते चानणा पावांगे ते डॉक्टर साहब को उहनां दे जवाब लवांगे। सो डॉक्टर साहब, जिहड़ा मेरा तुहाडे तों पहला सवाल है वह यह है कि जैविक खेती बड़ा बोलबाला है, की लोड़ है दी, की इंपोर्टेंस है, की महत्ता है दी करन दी। सो डॉक्टर दिलराज जी, अज जिहड़ा सारे विश्व पद्धर ते आपां देखीए ते आम नागरिकतां विच खपतकारां दे विच सेहत पक्खों बहुत जिहड़ी है ना जागरूकता पैदा वध रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिन्नी भी साडीआं रसायनिक खादां ने जां कीटनाशक ने, उल्ली नाशक ने, सो उहनां दी जिहड़ी आ उह इक वपारक पद्धर ते जदों आपां खेती करदे हां, किसान करदे ने, तो उन्होंने वालों जी जिनी भी अपनी ओवर जी जिनी सिफारिश की जाती है वो नालों भी जी कई बार जी खादा की वरतों या कीटनाशकों की वरतों बगैर किसी कारण तो या किसी मतलब कि कहे दुकानदार के कहे तो किसी आंढ़ी गुआढ़ी के कहे तो आप वरते हैं, इस मुनकर नहीं हो जा सकता। सो वो फिर की हों कि जोड़े रहिंद खूं जी जहरीले कणा की रहिंद खूंद आ जी ती खेती जिनसों के रह जाती है, चाहे वह आडा वध एक्सैस जी ती यूरिया पाने होर जी कैमिकल खादा ने रसायनिक खादा उन्होंने पाने साड़ी जमीन की सेहत भी जी प्रभावित होंगी आ, पानी भी जोड़ा वो प्रभावित हो रहा वा, इतों तक कि हूँ इस वे तो जोड़ा पशुओं का दुध भी जोड़ा वो भी जोड़ा वो नाइट्रेट की फॉर्म आ रही है नाइट्रोजन, इस तरह माँ का जो दुध जो भी जोड़ा वा वो आ रहा वा कंटेंट आ रहे हैं। सो वो जो बच्चे दुध पीते हैं जां कोई भी पींद खाता वा कोई भी पदार्थ खाते हैं तो साड़ी जी जी चीज़ जी आज हैवी मैटल भी आ जाए ने कई बार जड़िया के खादा के रूप के जमीन जाने ने आ जाए ने। सो वो साड़ी जी इस वे तुम देखो कि कैंसर के मरीज जो वध रहे होर जी बीमारियां जी ती शूगर के जो मरीज वध रहे हैं, ब्लड प्रैशर जोड़ा वा उन्हों का लोग आम जो नागरिक ने उन्हों का जोड़ा वा वो बहुत ज़्यादा रोगी जोड़े वध रहे हैं, इस तरह होर भी जी अपना कभी नाम ही नहीं सुनिया बीमारियों तो वध रहा वा। तो सो इस चीज़ को मद्दे रखते हैं जोड़ा वो साढ़े को आम नागरिकों भी खपतकारों के भी जोड़ा ता जैविक पदार्थों के कि जी आप जैविक तरीके अपना के जी चीज़ किसान को पैदा करो करते हैं उन्होंने वो जैविक तरीके अपना के वो जी खेती जिनसों की पैदावार की जाए तो वो जी खपत जी वधाई जाए। सो ये जे किसान वीर हूँ इस है कि अजय फिलहाल अपनी जी ती घरेलू लोड़ तो स्थानक लोड़ों पूरी रखते हुए जो मंग के आधार से जी सिफारिश की जाती है कि उन्नी क आप करिए जो हमारी जी मार्केट चंकी बन सके ता ही आप अगह कर सकते, जो मार्केट वध जाती है फिर उन्होंने वधाई जाओ, क्योंकि जी ती जैविक पद जी आप चीज़ पैदा करा वो जे मंडीकरण आप प्रॉपर नहीं करा तो वो जोड़ा वा वो सही तरीके जी जी वटक जी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल, कारण की है कि वह जोड़ा वा वो झाड़ भी घटूगा तो खेती लागत वो जो रूड़ी पानी है जो होर देसी तरीके बनाने खाते खर्चा बढ़ सकता वा। बिल्कुल, सो उस करके जी प्रीमियम प्राइस जी जेकर अं थोड़े थान थोड़े ज स्थानक जे झुंड लभ के जो खपतकार जो इंट्रस्ट हो उन्होंने लभ के फिर वो जी जैविक खेती करिए तो कामयाब हो सकती है। जे अदरवाइज जे आप मतलब कि झोना कणक के उत्ते लगे रहिए झोने भी पैदा कर झोना तो आप खाना नहीं है ना कणक कणक चलो खाँदे आप पर कणक जी छे महीने की फसल होंगी बहुत नहीं दे। सो जी बासमती जी को एक जी वधिया वा जी कि भी कुछ किस्म ने जहाँ 386 है पाकिस्तानी बासमती हाड़ी बहुत वधिया है। सो उन्होंने जी मंग हैगी लोगों के पैसे देने भी तैयार ने, सो वो आप जी कर सकते। डॉक्टर साहब, एक किसान है वो जिहड़ा अपनी रसायनिक खेती करता है वो कन्वर्ट करना चाहता है अपनी खेती नूं जैविक,
ਸੋ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਘਟੂਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘਟੂਗੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਡ ਆ, ਸਲਰੀ ਆ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਣਾ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਫਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 386 ਬਾਸਮਤੀ 386 ਸੀ ਜਾਂ 370 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ 11-21 ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ 11-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ 11-21 ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ, ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 386 ਬਾਸਮਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 370 ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਦਾ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਾਨਕ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਈ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਬਰ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੂਨ ਦਾ ਦੂਜਾ 15ਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ 386 ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 370 ਆ, 1509 ਆ ਜਾਂ 11-21 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ 15ਵਾੜੇ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ 15ਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 11-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਤੀ ਬੀਜੀਏ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, 30 ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ
तकरीबन जी 45-50 दिन की हो जाती है, तो फिर वो टिल्ली घट जाती है, जड़ा भी नहीं पूरी करती है कि जो टिल्ली घट जाती, टिल्ले तो मतलब शाखा घट लगती, शाखा घट गई वह फिर जरा वा वह झाड़ जरा वा वह बहुता नहीं निकलता। जेकर अं जिनी छोटी पनीरी ला लेंगे, नरोई पनीरी ला लेंगे, वो 15-20 दिन की पनीरी जी जे आप कर लीए ट्रांसप्लांट कर लीए तो वो जो ज़्यादा वजिए रहेगी। हूँ मान लो आप 15-20 दिन की ट्रांसप्लांट करनी है तो आप जी जी हूँ जी हाँ जी आप बिजाई करके 15-20 दिन ला सकते हैं। सो उस फिर सू जी 15-20 दिन जी लावे तो बिजाई का तरीका भी जरा वो वक्रा करना अड करना पेगा, यही कद्दू करके जो अन्ना रवायती तरीका वो अपनावे वह यह है कि अं ये थोड़ा जहा तरीका रवायती तरीके सू अड करना पेगा जे आप और क्या नहीं करनी है, क्योंकि जो कीड़ा मकौड़ा भी होंगे तो वह भी सू जो कंट्रोल करना जो वो सौखा हो जाए। सो उस यही है कि आप पनीरी की जी बिजाई करनी है वह बैडा करिए, जिदा आप प्याज की पनीरी जी उगाने सब्जी की पनीरी उगाने उस है कि एक वर्ग मी एक व एक मीटर चौड़ा तो 10 मीटर लंबा बैड ये तो आप 1 किलो बीज जरा वा आप रखा पा लगे, तो इस तरह के 4 बैड जोड़े आ 4 बैड जोड़े बना के 2 किलो बीज जरा वा किले लगेगा, 2 किलो 3 लग ला लो वो कोई गल नहीं है, क्योंकि आप 20x20 की जी आप लाइन टू लाइन फासला जो 20 सेंटीमीटर रखेंगे। सो वो जरा वा जे 3 किलो मान लो 3 किलो बीज भी आप 6 ब्रैड बना लिया तो अद्धा अद्धा किलो जरा वा 10x1 का जो मीटर का जो बैड आ थोड़ा ऊंचाई ऊंचा हो जिदा आप पनीरी बीजते हैं अपने सब्जियां की वो जी आप बीजा। सो उस जिदा आप नॉर्मल दे जो पनीरी आप ट्राइकोडरमा के नाल जो सोधते हैं जो स्प्रिंट ना सोधते हैं उन्होंने सोध के उन्होंने जरा तो मतलब कि बिजाई कर सकते जे, तो उन्होंने बिजाई करने बाद जी जो बैड है उन्होंने मतलब कवर कर दौ बोरिया जी पराली के नाल, ठीक है। सो उन्होंने करके तो पानी ला दौ, पानी लाने बाद जो एक बार चढ़ जाऊ उपर तो उस तो बाद पानी जरा वो खालियों में लाई जाओ। सो य 15-20 दिन के बहुत वधिया लाने वाली पनीरी जी वधिया हो जाएगी। ये लाने बिजाई समय ये रूड़ी पा लो, रूड़ी पा लो, वे कोई होर कोई देसी रूड़ी पा लो, कोई मुर्गी की पा लो, प्रेस मड पा लो, चंगी तरह ला के फिर बीजो तो यह 15-20 दिन के बड़ी वधिया जी ताड़ी पनीरी जी हो जाएगी उस। सो वो आप जी आप ला सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पनीरी की बिजाई उपरंत जेकर असी खेत की तैयारी की गल करिए जो असी पनीरी की लवाई करनी है तो खेत की तैयारी सानू की खास गल्लां दा ख्याल रखना है जे असी जेकर असी जैविक बासमती की बिजाई करनी है। सो ये जी मैं तुम पहले गल की है कि ये तुम तरीका थोड़ा जहा करना मतलब कि वक्रा बना पेगा रवायती तरीके, क्योंकि ये कुछ साढ़े सिस्टम राइस इंटेंसीफिकेशन जी एक झोने पैदा करने की एक तकनीक जी थोड़े प्रिंसीपल ये अपनाने पैणगे जे आप जैविक करनी है, क्योंकि आप गोडी करनी है, क्योंकि जी नदीनाशक आप वरतनी नहीं है। हाँ जी, तो जे आप गोडी करनी, गोडी करने वास्ते कोनोवीटर साढ़े कोला कोनोवीटर, तो कोनोवीटर तां चलो जो लैणा होएगा तो ठीक है। सो ये बिजाई जी आप कद्दू तो बगैर ही कर सकते हैं, कद्दू करने की लोड़ नहीं है, जस्ट उन्होंने तुम सुहागा मारो, तैयार करके सुहागा मारो, उस पानी छोड़ो, जो पानी तुहाडा नीवा हो जाता वा थोड़ा नीवा हो जाता तो वो रस्सी भी लाया जा सकता 20x20 लाइन तो लाइन फासला रख के, ठीक है। क्योंकि वह एक जो जो लाइनों के लावे वो हवा की जी संचार जरा वो जल्द ज़्यादा होएगा, तो जो हवा का संचार ज़्यादा होएगा तो कीड़े मकौड़े घट आएंगे, जो कीड़े मकौड़े घट आएंगे तो मतलब कि सू जी दवाइया की लड़ नहीं पेगी। सो जो संचार बधाने वास्ते हवा का संचार बधाने वास्ते लाइन च करनी पेगी, तो लाइन के जे मैं पहले गल की है कि ये जी शुरुआत जी है तुम अपने घरेलू जरूरत कर लो, जी आप साल के जिनी खानी आप कनाल 2 कनाल के जिनी आप रकबा रखना उन्हें करके तो उन्होंने जरा वो करो हरेक 10 लाइन के बाद मान लो आप 10 लाइन जी ला लियो 1 लाइन छड़ दो, ठीक है। एक लाइन छड़ना मतलब कि वे तुम कल कोई स्प्रे या कोई तुम निरीक्षण करना वा तो बड़ा को जो एक रस्ता मिल जूगा एक लाइन वह मतलब कि पनीर जी बूटे भजन गए। सो वो आप 10-15 लाइनों तो बाद एक लाइन छड़ देंगे वो आप आराम फिर सकते हैं। सो ये पनीरी लाने का भी जरा वा वो एक तरीका अलग है कि जी आप पनीरी पुटनी है वो एक नॉर्मल रवायती तरीके ही पुटनी वो मिट्टी के नाल ही पुट लेनी है स्कूपिंग करके थले स्कूप करो तो उन्होंने पुट लो। सो जो बूटा कला बूटा जरा वो आप रस्सी के नाल जो वा वो एक रस्सी रखो अगे 10-20 सेंटीमीटर तो चक्की जाओ तो नाल रखी जाओ तो वो अंगूठा दबा के नहीं लानी है वो जस्ट उन्होंने एक दो उंगलों के रख के जस्ट उन्होंने रखना ही है। सो ये होंगे कि जी जड़ा पूरी होंगे होंगे ने शॉकिंग पीरियड बिल्कुल नहीं हूँ तो पनीरी जी तुरदी है तो यह जो ग्रोथ जी वो रवायती ज़्यादा होंगी है। सो यी आप चीज़ जी करा सो ये जी नदीना की जी समस्या होंगी है हम नदीना की आप किमें रोकथाम करनी है नॉर्मल झोने के पता ही है कि बहुत ज़्यादा
नदीन बहुत होंगे पानी ज़्यादा लगता वा। सो ये पानी एक जड़ा वा वह खिलार के नहीं रखना पानी आप जे मान लो अही पानी ला लिया फिर उन्होंने मतलब कि सुक गया फिर ला लिया सुक गया फिर ला लिया पर जी आप 10 दिन के बाद लवाई तो 10 दिन के बाद कोनोवीट के नाल आप गोडी करांगे 10 तो 10-20 मतलब कि हरेक 10 दिन के बाद 3 गोडियां लगभग कर लेंगे। 3 गोडियां का मतलब कि वो कि कोनोवीटर चलाने के होगा कि एक जमीन जी ढड़ी पोली होएगी कोई त्रेड नहीं फटूगी कोई वेदी जी जी वे की होंगे कि वो रिशिज वादी आ हवा का संचार वधूगा फिर जी जड़ा जड़िया ने प्रूनिंग होएगी जड़ा जो कटी जाने ने पुरानी कटी नवी फैल दी नवी पैदा होंगे ने नवी पैदा होने जो बूटा जरा वो टिलिंग जी वी है। सो जो मतलब 15 तरीक लाने तो ऑटोमैटिकली जी ज़्यादा वादी है। सो वो भी जरा एक जो आप गोडी करते हैं वो भी जरा जरा वा सिर्फ नदीन ही नहीं मरते क्योंकि नदीन जोड़े वो जो इनकारपोरेट करा वो हरी खाद का काम करेगा हरी खाद के होगा कि वो जी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ जी सूक्ष्म जीवों की जी गतिविधियां ने बहुत ज़्यादा बदलगियाँ। सो वो जरा वा ती जी ऑरगेनिक पैदा करने सू बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। सो वो की होगा कि एक तंदुरुस्त बूटे पैदा होने तंदुरुस्त बूटे जो पैदा होने तो ऑटोमैटिकली जी है कि उस बीमारी भी घट होगी तो कीड़े मकोड़े भी घट हो। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जोड़ा विशा साढ़ा जैविक बासमती का चल रहा तो रसायनिक खादा असी वरतनिया नहीं वरतनिया तो असी खादा के बदल में आप कम कर सकते हैं भी साढ़े बूटे नू पूरी जी खादा तो खुराक मिलती है वह भी मिलती रहे साडा बूटा भी तंदुरुस्त हो तगड़ा हो। वैसे तो हम जी 386 बासमती या पाकिस्तानी बासमती है उन्होंने तो किसी एक तरह की जी कोई खाद की लड़ नहीं पैंती है क्योंकि जेकर उन्होंने आप खाद माड़ी मोटी भी पा देंगे तो वो जो वजूगी। सो वो हरी खाद की जा सकती है ताड़ी मुर्गियों वाली खाद पाई जा सकती है सलरी पाई जा सकती है इस तो अलावा बाजार बायोफर्टिलाइजर जी जैविक खादा जी मिलती ने वह पाई जा सकती है तो वो वर्मी कंपोस्ट पाई जा सकती है जी ताड़ी गंडोया वाली खाद है वह पालीए तो वह मैं कहना भी जी जी कि आम करके जी 386 बासमती चाहे पाकिस्तानी बासमती है ये वाधी बड़ी है। सो उन्हों वधन तो जरा वाधा जरा वा वो घटाने वास्ते सानू लवाई तो 45 दिन के बाद हाँ जी जो मान लो 45 दिन की होगी उदो जो जो उपरों कट देंगे। ठीक है। कटने नाल की होगा एक तो मतलब जी वाधा जो थोड़ा जहा स्लो हो जाएगा एक वो जेकर किसी भी कीड़े मकौड़े का कोई अंडे दते आ पत्तियां दते वो रिमूव हो जाएंगे वो तो उन्होंने पत्ते जो पत्ते आने बहर कड़ के उन्होंने मतलब कि अपने दबा सकते जे या पशुओं को पा सकते जे तो वो जो बड़ा वधिया एक जो वा वधिया हो जाता वा इस करके इन जो बहुत ही खाद पानी की लड़ नहीं हैगी तो डॉक्टर साहब जेकर असं कीड़े मकौड़े की गल करिए तो वास्ते असं की कर सकते। सो ये कीड़े मकौड़े पहली मैं गल की है कि जेकर अं इस सही तरीके लवाई की आ लैणा में लवाई की है गोडी की आ तो खाद नहीं पाई तो कीड़े मकौड़े का मतलब ही कोई नहीं आ जी फुटराट जी झंडा रोग आता वा झंडे रोग भी नहीं आऊगा जे वो अं जरा वा वो काम किया वा जे इस तरीके जी पनीरी उगाई है। ठीक है। क्योंकि पनीरी तो जी छोटी पनीरी जी होंगी है ये जी मतलब कि अटैक नहीं करती बोलती खास करके जी झंडा रोग पुरानी पनीरी ज़्यादा अटैक करता वा तो नरोई पनीरी भी नहीं करती। सो दूजा जो है कि जो पता लपेट सुंडी मान लो कि पता लपेट सुंडी आती है तो पता लपेट सुंडी के अपनी जी नरेल की रस्सी है जी नरेल की रस्सी लैके जिनी छोटा खेत हैगा वा उस दो बंदे फट के उन्होंने 2-3 बारी इदा उदो फेरन तो जिनी भी ताड़ी पत्ता लपेट सुंडी है सारी डल डिग पेगी तो थले पानी हुंदा पानी दे विच ताड़े मित्र कीड़े बहुत हुंदे आ जिहड़े कि उन्हां दा शिकार करदे आ। ठीक है। सो उन्हां नूं उहदा शिकार जदों करनगे तो ऑटोमैटिकली उह खतम हो जाऊगा। इस तों इलावा ट्राइकोकार्ड जिहड़े आ ट्राइकोग्रामा जिहड़े हंगदी आ वो भी आप ट्राइकोकार्ड जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सेंटर आ उन्होंने तो लैके वो भी ला सकते हैं पर ट्राइकोकार्ड है वो छोटे छोटे जीव होंगे जो जीव होंगे वो जो दुश्मन कीड़े होंगे उन्होंने अंडिया के अंडे दे के उन्होंने खत्म करते हैं। सो दूजी जी आई कि जी ताड़ी तने का गड़ूआ वा तने का गड़ूआ जो ऑटोमैटिकली तुम पिछले तो 10-15 साल का रिकॉर्ड देख लो हूँ वो बिल्कुल जो खत्म हो गया वा एक आंता वा जो राइसिस वा तो राइसिस पे भी तुम वही जो भी काली भुंडी जी होंगी आपों कट के जो आप जिदा पहले की 45 दिन बाद कट दी है तो सारा सारा खत्म हो जाता वा। सो इस करके यही है कि आप किसी तरह के भी जेकर अं जो जे आप तजर्बे किए
कदे भी जी किसी कीटनाशक की जो रसायनिक खादा की जरूरत नहीं पई तो बहुत वधिया जी जी एक गुणवत्ता भरपूर जी वो पैदावार हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, फसल साड़ी सारी बीजी गई है, पैदावार असी ले लें तो जोड़ा ये फसल का मंडीकरण है वो किवें किया जा सकता है? सो आप शुरुआत में एक गल की कि जी जैविक पैदावार आ उसका मंडीकरण का प्रबंध करना बड़ा जरूरी है। जिन्ना चिर आप मंडीकरण का प्रबंध नहीं पहला कर लेते उन्ना चिर मेरे ख्याल जैविक पैदावार करनी कोई माणी नहीं रखती है। सो उसदे विच जिहड़े भी आप कोई भी चीज़ जैविक पैदा करना चाहते पहला तो उसकी डिमांड लो, मंग लो, शहरों के सारे खपतकार जिहड़े भी नागरिक है वो इस कोलों चेतन आ जागरूक ने कि आप वधिया चीज़ लैनी है। सो उन्होंने झुंड बनाए जा सकते हैं वख वख जिहड़ी फसलों के आ झुंड का मतलब कि वो ग्रुप बनाए जा सकते हैं वट्सएप से फेसबुक से यूट्यूब से अपना जोड़ा वा वो जो नौजवान किसान ने जो चंगे उद्यमी किसान ने वो ऑलरेडी भी कर रहे हैं भी आप सोशल मीडिया की मदद लैके जी मंग लै रहे हैं भी जिन्हें जिन्होंने भी मंग लग गया क्योंकि अजकल का ऑनलाइन का सिस्टम आ पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है तो बहुत ही वही गल नहीं हैगी क्योंकि बारह शहरों में भी सप्लाई की जाती है होम डिलीवरी हो सकती है जो वो वध को खरीदा वा। सो इस करके यही है कि आप पहला मंग जी जी पैदावार शुरुआत जी करनी है जैविक खेती की पहला जी ताकि घरेलू मंग जी आप घर वरतते हैं उन्होंने तो अपना जी स्थानक मंग आ जी साड़ी शहर के लागे भागे जिन्हें भी ताे शहर आ चाहे पिंड आनी मंग वो हो सकती है पहला वो करो जिदा मान लो कोई भी नवी इंडस्ट्री लगती है ज कोई नवी खोलते हैं वो पहले अपने इलाके का सर्वे करते हैं कि इतने काम चलूगा कि नहीं चलूगा। बिल्कुल सो उ जरा जरा वा वो तरीका अपना पेगा भी यही जे आप चीज़ कोई चीज़ अपना पैदा कर रहे हैं वो मंग लीए पेल फिर वो जी पैदावार करिए तो फिर वह मंडीकरण जरा वो खुद करिए तो फिर ज़्यादा वजी रहेगा जे वे चौल बना के कर लिए ज़्यादा वजी रहेगा पैकिंग करो पैकिंग ब्रांडिंग करो जिदा बहुते फार्मर साढ़े कर ही रहे हैं कोई हल्दी का कम कर रहा तो उन्होंने जी वी पैकिंग करके ब्रांडिंग करके जी बेच रहे हैं ठीक है कोई बीबी जी ने स्कैश चार वगैरह कर रही तैयार कर रही इस तरह जो आप 386 या बस पाकिस्तानी बासमती तो पै जैविक जोड़े ने चौल पैदा किए हैं तो उन्होंने मंडीकरण जरा वी तरीके करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो किसान वीरो मैं उम्मीद करता है भी जोड़ा अज का साडा विशा से जरूर तुम अपने खेतीबाड़ी विच इनू लागू करोगे इस पर अमल करोगे तो ये जिहड़ी जानकारी है होरां किसानां तक भी पहुँचाओगे ता जो ये जिहड़ी वडमुल्ली जानकारी है ये किसान वध तो वध किसानां तक पहुँच सके। तो डॉक्टर साहब मैं तुहाडा भी धन्नवाद करदा भी जिहड़ा तुसीं अपना समां कढ के ते ये वडमुल्ली जानकारी साडे किसान वीरां नाल सांझी कीती है। सो किसान वीरो आप सब का बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल।